बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, आपको वेलकम करना चाहूँगी शहर रमज़ान की 24th इफ्तार ट्रांसमिशन में। आज की ट्रांसमिशन के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो हमारा टॉपिक एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में अक्सर घरों में बात की जाती है कि इसको नज़र लग गई है, बच्चा रो ज़्यादा रहा है उसको इसलिए नज़र लग गई है, या ये काम बार बार ख़राब हो रहा है यकीनन तुम्हें नज़र लग गई है। अच्छा, उसके साथ साथ हसद, लोग कहते हैं कि बहुत दफ़ा नज़र प्यार की भी सुना है कि लग जाती है। अभी मैं सारी वो बातें कह रही हूँ जो सुनते आ रहे हैं, करेक्शन और हमें हमारी इस बात को सही करने के लिए, इसकी इस्लाह करने के लिए या हमें उससे रिलेटेड गाइड करने के लिए तो हमारे साथ स्कॉलर्स हैं, लेकिन जो मैं सुनती आ रही हूँ, जो कॉमन सुनने की बातें होती हैं, उसके अलावा एक और बात के माँ की भी नज़र लग जाती है अगर माँ बहुत ज़्यादा प्यार से देखे। अब हमने हमेशा नज़र को बुरा कंसिडर किया है, और नज़र सिर्फ पाकिस्तान में या साउथ एशियन चीज़ नहीं है या इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि नज़र एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर टर्की में भी देखें तो वो ईवल आए बनी होती है, और बहुत से लोग उस आय को लगाते हैं नज़र से बचने के लिए अपनी गाड़ियों में, अपने घरों के बाहर, अपने घरों के ऊपर। सो नज़र का कॉन्सेप्ट तो हर कल्चर और एक्चुअली हर मज़हब में भी है, टर्मिनोलॉजी फ़र्क होगी लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये ऐसी क्या चीज़ है कि इंसान देखने से ही या किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचने से ही उसको हार्म कर सकता है या डैमेज कर सकता है। आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसमें गुफ्तगू करते हैं लाहौर ग्रैंड मॉस्क के खतीब, हमारे टीचर, हमारे मेंटोर मुफ्ती अहमद अली से। तो आइए सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं कि आखिर ये नज़रे बद और हसद है क्या। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज का टॉपिक बहुत ही हमारी सोसाइटी में एक कॉमन चीज़ है कि लोग अक्सर कहते हैं कि फलां तुमसे जेलस है या हसद करता है या करती है, इसलिए शायद तुम्हें नज़र लग गई। तो ये हसद और नज़र के टॉपिक, नज़र बद को हम आगे लेके चल रहे हैं, इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड आप हमें क्या गाइडेंस देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام। आज का मौजू दो चीज़ें, एक है नज़र बद और दूसरा हसद जी। लेकिन इस इतने तवील मौजू को 10 मिनट के अंदर समेटना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये नज़र बरहक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया अलाइन हक़ुन, ये नज़र बरहक है, और ये खुसूसन अपनों की लगती है, माँ बाप की लग सकती है, बहन भाइयों की लग सकती है, ये गैर इख्तियारी चीज़ है, इसमें मुआवजा नहीं करना चाहिए, पकड़ नहीं करनी चाहिए, किसी को मलामत नहीं करना चाहिए, ये गैर इख्तियारी। कई दफ़ा माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है तो उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है, जब कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह नज़र नहीं लगेगी। माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने से नज़र नहीं लगेगी। सही। और लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसका तरीक़ा, इसका तौर भी हदीस के अंदर हमें बयान किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी आदमी को नज़र लग गई तो उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आखिरी दो सूरतें पढ़कर, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ के अपने हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पे फेर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़र को ख़त्म फरमा देगा। और मुल्ला अली क़ारी ने मिरकात शाह मिशकात में
एक और तरीक़ा भी इसका नकल किया है कि सूरत कलम की आखिरी आयात पढ़ने से भी ये नज़र ख़त्म हो सकती है। सूरह वो है कलम, वइन यकादुल्लदीना कफरू वइन यकादुल्लदीना कफरू लयुसलिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समउ ज़िक्र वयकूलून इन्नहू लमजनून। ये सूरत कलम 29वें पारे में, इसके पढ़ने से भी नज़र ख़त्म हो जाती है। तो नज़र का इलाज हमें वो करना चाहिए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हमारे उर्फ आम में अगर किसी बच्चे को या किसी बच्ची को नज़र लग जाए तो हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि 11 मिर्चें ले लो और हर आदमी का जिसकी नज़र के चांस है उसका नाम लेकर उन मिर्चों को जला दिया जाए तो नज़र ख़त्म हो जाएगी। ये टोटकला तो हो सकता है, ये सुन्नत का अमल नहीं है, ये सुन्नत का अमल नहीं है। इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। जैसे कि हमारे मुआशरे में आपने देखा होगा कि नहर के ऊपर भी, रावी के ऊपर भी लोग नज़र टालने के लिए गोश्त के लिफाफे में डाले होते हैं। मोटरसाइकिल वाला जाकर रुकता है, उसके सर पे 7 चक्कर लगा के उस गोश्त को चीलों के सामने डाल दिया जाता है और कहा जाता है अब आपकी नज़र ख़त्म हो गई। ऐसा कोई अमल नहीं है, नज़र बरहक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने इसका तरीक़ा, इसका हल भी बयान फरमाया, जैसे कि मैंने आपके सामने बयान कर दिया है कि आखिरी दो सूरतें पढ़कर दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नज़र ख़त्म हो जाएगी। और जिसकी नज़र लगे उसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, उसका इख्तियार ही नहीं बेचारे का। ये तो माँ की भी लग सकती है, चचा की भी लग सकती है, मामू की भी लग सकती है। तो लेकिन मुफ्ती साहब, आप हमें चाहिए कि नजरे जब हम बद की जो हम बात करते हैं, जैसे कि जो लोग हसद करते हैं या आपसे जेलस होते हैं, बड़ी दफ़ा मेरी कभी तबीयत ख़राब हुई, जिस तरह मीडिया में स्पेशली जब लोग काम करते हैं या ज़रा लाइमलाइट में होते हैं तो मुझे बड़ी तरह लोगों ने कहा है ज़रूर तुम्हें किसी की बुरी नज़र लगी है तो किसी ने हसद किया होगा। मैं खैर हंस पड़ती हूँ, बट एट द सेम टाइम डर भी लगता है कि वह गलत बात पर तो नहीं हंस रही, क्योंकि नज़र तो बरहक है। तो अब वही थोड़ा इस पर क्लियर कर दे कि नज़र बद क्या हसद की वजह से लगती है। अब मैं ये तो मैंने मुख्तसर बयान किया उसके मुतालिक, नज़र बद के मुतालिक, अच्छा लेकिन अब मैं आ रहा हूँ हसद की तरफ। ठीक है, एक होता है हसद, एक होता है गिबता जिसको रश कहते हैं। हसद करना हराम है। हसद किसे कहते हैं कि अगर आपने किसी के पास कोई नेमत देखी, नेमत देखने के बाद आपने ये तमन्ना की कि ए अल्लाह ये नेमत इससे ख़त्म होकर मेरे पास आ जाए, ये हराम काम है। ये है हसद, ठीक है। जिससे शरीयत मुताहरा ने मना किया है। यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम की मुझे एक हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीन ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनकी अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमाता। जितनी मर्जी दुआएं करते रहे, बैतुल्ला में बैठ के दुआ करें, अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करता। पहला वो शख्स जिसकी ग़ज़ा हराम की हो, दूसरा वो शख्स जिसकी आदत बन चुकी हो गीबत करना, और तीसरा वो शख्स जो इंसानों से, मुसलमानों से हसद करता हो, ऐसे शख्स की भी अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमाता। ये बीमारी हसद की ऐसी है, अलअमान वल हफीज़। इसके अंदर ताजिर भी मुबतला है, इसके अंदर आलिम भी मुबतला है, इसके अंदर सियासतदान भी मुबतला है। हर आदमी ये कहता है कि ए अल्लाह तूने उसको ओहदा दिया है, उसको तूने वजारत दी है, ए अल्लाह उससे छीन कर मुझे दे दे। ये हसद है। ये बीमारी बहुत आम पाई जाती है, उलमा में ये पाई जाती है कि अल्लाह तूने उसको इतना मकाम दे दिया, इतनी इज्जत दे दी, ए अल्लाह उससे छीन के मुझे दे दे। ये हराम और नाजायज़ है। एक है गिबता और रश्क, उसकी तारीफ ये है, वो सही है। वो ये है कि आदमी ये तमन्ना करे, ए अल्लाह जैसे तूने उसको ये नेमत दे रखी है, ए अल्लाह उससे ना छीनी, उस जैसी नेमत मुझे भी अता फरमा दे। इसको रश्क और गिबता कहते हैं शरीयत मुताहरा में, ऐसा करना जायज़ है। और जो आदमी हासिद होता है, हसद करने वाला होता है, ये बात बताता जो जो हसद करने वाला है, दर हकीकत वो अल्लाह की तकदीर पर एतराज़ कर रहा होता है। बिल्कुल जो सही, हसद करता है
در حقیقت وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ ربا تو نے اس کو اس نعمت سے نوازا، تو نے اس کو یہ چیز دے رکھی ہے، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ یہ تو اللہ کی تقدیر پہ سوال کرنا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عجیب فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. بے شک ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. اللہ نے جو ہمارے علم ہمارے مقدر میں علم رکھا ہے، جہلا کے مقدر میں مال رکھا ہے. علم ختم ہونے والا نہیں ہے، مال ختم ہونے والا ہے. اس لیے حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر ایک آدمی کو یہ بیماری لگ چکی ہو، اس کا حل کیا ہے؟ اس کے دل سے حسد کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو امام غزالی رحمہم اللہ تعالی نے اس کا بہت اچھا حل بیان فرمایا ہے. جس کے بارے میں دل میں حسد آتا ہو، ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرتا رہے. بے شک ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرے، سبحان اللہ. لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے کہ یہ بہت نائس آدمی ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے دل سے حسد کی بیماری کو ختم فرما دیں گے. مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہم اللہ تعالی، جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، جی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بیت اللہ میں گئے اور زمزم کا پانی پینے لگے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ما زمزم لما شرب، ما زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں. تو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہم اللہ تعالی نے دعا کی، اے اللہ جیسے آپ نے شمس الدین کو زید دے رکھا ہے، مجھے بھی ایسا عطا فرما دے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں حسد سے بھی بچنا چاہیے اور ہمیں نظر بد سے بھی بچنا چاہیے. اللہ ان باتوں پہ مجھے بھی عمل کی توفیق فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ویورز بات چیت سن رہے تھے مفتی احمد علی کی. ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میرے دو بہت ہی پیارے بھائی آج سیٹ پہ ہیں، علامہ حسن رضا ہمدانی اینڈ دین آف کورس صاحبزادہ کاشف محمود صنباس علی ولی واصف، اینڈ وی ہیو اے نیو گیس ود اس ٹوڈے ایز ویل، راشد حمید کل یامی. ان سے بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، اینڈ دیکھیں میرے بھائی نے آج ہوسٹ کا روپ پھر سے دھار لیا ہے، اور میرے بہت ہی پیارے بھائی صاحبزادہ کاشف محمود سن اور واصف علی واصف میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا ٹاپک نظر بد اور حسد، اور ہم ابھی بریک میں بالکل آن ایئر آنے سے پہلے ویورز یہی بات کر رہے تھے، علی ہمارے جو پروڈیوسر ہے علی، ان کے کان میں، اور ہم ویسی میں کہتی ہوں انڈا وار کے پھینکنا ہے اور پھر سیدھا جانا ہے، اس انڈے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا. مرچیں جو ہیں، ابھی مفتی صاحب نے بریک سے پہلے کہا 11، ہمیں تو 7 مرچوں کا پتہ چلا تھا، چلے اب 11 کر لیں گے. 11 وہ ویسے اپیرنٹلی یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، 11 یا 7 مرچیں بارنا اور ان کو جلانا اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے سونگھنا اور پھر کہنا وہی اس میں تو کوئی اسمیل ہی نہیں آئی، ورنہ دیکھو مرچیں جلاتے ہیں تو اتنی اسمیل آتی ہے، بڑی بری نظر لگی ہوئی تھی. اب میں بہت سے اپنے رشتے داروں کو بھی کاپی کر رہی ہوں اس وقت، لیکن ماچس کی تیلیاں، اچھا کچھ نہیں ہے ماچس کی تیلیاں بار دو، تو اس زمانے میں ماچس کی تیلیاں مہنگی ہوتی ہوں گی، مہنگی ہوتی ہوں گی. تو یہ کافی اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. ہنس تو رہے ہیں، لیکن جو لوگ ان چیزوں کو سیریسلی لیتے ہیں ویورس، تعویذ، دھاگے باندھنا، گاڑی لی ہے تو گاڑی کو نظر نہ لگ جائے تو اس کے پیچھے کالی ٹاکٹ لٹکا دینا، یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. وہ گدھا گاڑی کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے محنت کر حسد نہ کر، جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے. چلے اسی نوٹ پہ، اپنے کچھ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے جوتی بھی لگائی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو جوتیاں پڑتی ہیں، لیکن خیر وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہو جائے گا اور ہم اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. اب ہم اپنے اسکالرز کے پاس چلتے ہیں، پیارے مسکراتے چہرے کے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی
अलामा हसन रजा हमदानी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. एंड देन विद अस टुडे इज राशिद हमीद कलियामी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. सिर्फ 15 दफा नाम प्रैक्टिस करके शायद अब ठीक बोल दिए. जी अब ठीक बोला. कुछ ठीक बोल दिया. ओके अब ठीक बोला. अच्छा शुक्रिया. अब दोनों टॉपिक्स पे हमने बात करनी है क्योंकि हमें हम जब बैठ के डिस्कस कर रहे थे तो हमें महसूस हुआ कि बड़े लोग कहते हैं कि नज़र लग गई क्योंकि को दूसरा आपसे जेलस था या एनवियस था यानी कि हसद कर रहा था. लेकिन मुफ्ती साहब ने कुछ डिफरेंट बात की है. आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना. पहले हसद पे बात कर लेते फिर नज़र पे आ जाएंगे क्योंकि नज़र से रिलेटेड तो फिर करोड़ों लोगों के रैंडम सवाल हैं. तो सबसे पहले लामा साहब से बात शुरू करते हैं. लामा साहब हसद पे क्या बताएंगे आप हमें? जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वबिही नस्तईन वखनासुमईन. अलामा साहब ने अली अहमद साहब जो अपना मुफ्ती हैं ग्रैंड मस्जिद के, उन्होंने इब्तदा में सूरह फलक की एक आयत तलावत की और साथ में उन्होंने सूरह कलम की आखिरी आयत की तलावत की. अय युकादुल्लज़ीना काफ़रू. अय युकादुल्लज़ीना काफ़रू के शान नज़ूल में, इस आयत के शान नज़ूल में ये मिलता है कि कुरैश मक्का ने एक वो फ़र्द जो नज़र बद के उनवान से बहुत मारूफ था. अच्छा ये नज़र बद, आपने भी इंट्रो में बात की, ये नज़र बद का ताल्लुक कोई बरसग़ीर से नहीं है, यानी कि बरसग़ीर के लोग जो हैं वो इस तरह, बल्कि शुरू इंसानियत से समझ लें जो बहुत पुरानी कौमें असामी और आराई कौमें, अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा जी हाँ ये इंसानियत का है ना जी. असामी और आराई कौमें ये उनके यहाँ था, ये सुरख मिर्चें जो हैं वो उनको ले कर चूल्हे में जलाना और इसी तरह आराई में था अंडा पीछे फेंकना. इस तरह ईरानियों में है कि वो अपनी खुशी की महफिलों में हरमल का धुआं जो है वो देते हैं इस तरह से. और ये जो जूते वगैरह का है ये अपना हिंदुइज्म में वहाँ पे ये मौजूद है. और यहूदियों के यहाँ जो इलाही और दीनी मकतब है, यहूदियों के यहाँ वो समझते हैं कि 99% अमवात जो है वो होती ही नज़र बद की वजह से, 99% मौत जो है वो नज़र बद की वजह से होती है. और ये यहूदियों के यहाँ मतलब कहते हैं उनका अकीदे में ये चीज़ शामिल है. हसद के ही सबब पर नज़र बद होती है, ये एक अंसर है. बहरहाल नज़र बद तो एक हकीकत रखती है और इस हवाले से यह है कि इस्लाम में भी उसके इलाज के हवाले से मुफ्ती साहब ने बात की. आयतुल कुर्सी की तलावत है, सूरह हशर की आखिरी चार आयात की तलावत है, सूरह हदीद की आखिरी छः आयात की तलावत है, इसी तरह ये आया कलम मतलब जो आखिरी आया है अय्युकादुल्लज़ीना काफ़रू, इस हवाले से ये नज़र बद के हवाले से. तो लोग जब दम कराने के लिए लेके जाते हैं कि जी इसको नज़र बहुत लगती है दम कर दे, तो वो यही चीज़ें पढ़ते हैं. जी हाँ वो आयतुल कुर्सी की तलावत करते हैं या सूरह मौज़ेतैन की तलावत करते हैं. तो माँ बाप अपने बच्चों की तलावत की जाती है, खुद ही उस तरह से दम कर दिया करें जो उठा उठा के हम डिफरेंट जगहों पर लेके जाते हैं. मतलब उसमें एक चीज़ है ना, आप देखिए कि एक है मेरी ज़बान कि जो गाली से भी आलूदा हो रही है, गीबत से भी आलूदा हो रही है, झूठ से भी आलूदा हो रही है, दीगर ऐसी जो अपने ऊपर कवर चढ़ा रही है रिजास्तों के, कि जो दुआ की कबूलियत में हायल हो जाएंगी रुकावटें. और एक वो ज़ुबान है कि जिस ज़बान से सिर्फ़ कुरान की तलावत जारी होनी है, सिद्क जारी होना है, लोगों की इसलाह की बात जारी होनी है. अब उस ज़बान से जारी हुई हुई कुरान की आयात की तासीर और होगी, मेरी ज़बान से जारी हुई एक गुनाहगार बंदे की ज़बान से, आसी की खाती की पुरतकसीर इंसान की ज़बान से जारी हुई ज़बान की आयात की तासीर और होगी. कुरान की आयत की तासीर के ऊपर नहीं है इश्काल, खुद मेरी ज़बान के उस तासीर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ. तो बस इसलिए फिर वो लेके जाते हैं उन लोगों के पास कि जिनमें ये खासियत है कि उनकी ज़बान सिद्क से, उनकी ज़बान ज़िक्र खुदा से, ज़िक्र रसूलुल्लाह से, ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद से, ज़िक्र बुजुर्गान से, ज़िक्र औलिया से, और उन्होंने अपनी ज़बान को फ़कत पागने बल्कि अपने नफ्स को रियाजत के ज़रिए उस मंजिल पर लेके गए होते हैं कि जहाँ उनकी दुआ. एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, देखिए जैसे बुरी नज़र है तो बुरी नज़र का तोड़ अच्छी नज़र भी होती है. बड़ा इंटरेस्टिंग. आपके बेटे हैं और ऐसा सवाल इन्हीं से ज़ेब देता था. मैं आप से क्लैमी साहब बात कर लें तो आपको जी क्लैमी जी बहुत शुक्रिया. मेरा ख्याल है कि जो हवाला आपका है उसी हवाले को मोतबर जानते हुए मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपने फरमाया ना कि बुरी नज़र का तोड़ जो है वो अच्छी नज़र है. जी तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह जुगन ने यह बात की कि पूरी दुनिया में इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है और इसका वजूद हर जगह पे पाया जाता है, लेकिन
जैसे वजूद पाया जाता है ऐसे ही इसके बारे में कन्फ्यूजन भी पूरी दुनिया में पाई जाती है। भाई अब ये वाली कितनी ज्यादती की बात है सर कि ये कहना कि माँ की भी नज़र लग जाती है। कभी मेरा बच्चा ज़्यादा रो रहा होता था तो मामा कहती थी तुम्हारी नज़र लगी होगी, मैं कहा ये नहीं ज्यादती, सारा गलत काम माँ ही करती है बेचारी। इस पे बात करेंगे अगले सेगमेंट में। ज्यादती की बात नहीं है, ज्यादती नहीं है जी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि एक तो हमें जो आज का टॉपिक है इस हवाले से हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हसद और नज़र बद इन दोनों को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि ये सेपरेट टॉपिक है, ये दोनों सेपरेट टॉपिक्स हैं। लेकिन आप देखें ना कि जब हम डिस्कस कर रहे थे एज ए टीम तो हमें जो हमने बातें सुनी हैं बचपन से और जिन चीज़ों को आगे लेके चल रहे थे इसीलिए हमने कहा हम इस पर क्लैरिटी भी लेंगे कि क्या ये इंटरकनेक्टेड चीज़ है। नहीं तो ये फर्क है, ये तो एक बात लेकिन अगर आप इनको आपस में जोड़ देंगे तो फिर मुझे बताइए कि अगर माँ की नज़र लगती है तो उसमें हसद कहाँ से आ जाएगा? अगर बाप की, अगर मामू चचा की लगती है, भाई बहन की प्यार की नज़र कहते हैं इसको। हाँ तो उसमें हसद तो नहीं हुआ। अच्छा मैं आपसे बात कर आपकी उस बात के डिस्कस कर रहा था कि हमने ये कहा कि पूरी दुनिया का ये मसला और पूरी दुनिया में इस हवाले से एक कन्फ्यूजन भी पाया जाता है, क्लैरिटी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज हम सिटी 42 की मुनासबत से और वसातत से हम इस मसले को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से डिस्कस करें। ओके और वो डिफरेंट एंगल ये है कि हम जब भी डिस्कस करते हैं नज़रे बद को डिस्कस करते हैं, हमें थोड़ी देर इस टॉपिक को अलग रख के सिर्फ नज़र को डिस्कस करना। मैं यही तो यही बात एक्चुअली मेरे कान में अभी प्रोड्यूसर साहब कहते थे, उनको इशारे करती कि एक मिनट उनको बात तो खत्म करने दें। वो यही कह रहे थे कि फिर नज़रे बद तो नहीं कहना चाहिए, फिर तो सिर्फ नज़र की बात करनी चाहिए। माँ तो बद बुरी नज़र नहीं लगाती जी, हमें सबसे पहले नज़र को डिस्कस करना चाहिए कि नज़र जो है इसके अंदर कुदरत ने बहुत से कमाल रखे हैं और बड़े असरात रखे हैं। यानी अभी हम इसके बद और नेक की तरफ इसके मनफी असरात और मुस्बत असरात की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ नज़र की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, वो मिसाल ये है कि अभी मैं काशिफ भाई से बात कर रहा हूँ, अभी मैं अपनी चेयर को घुमा के पीछे को कर लेता हूँ और मैं वही बात करता हूँ जो कि मैं अभी इनके सामने करना चाहता हूँ। जो मैं इनकी तरफ पुश्त करके बात करूंगा उसका असर वो नहीं होगा जो मैं इनकी तरफ रुख करके बात करूंगा। बिल्कुल सही, नजर का नजरों में नजरें डाल के बात नजरों करनी में चाहिए। नजरें डाल के बात करने की बात है। बिल्कुल इसी तरह आप मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सारे लोग हैं, यहाँ पे एक किसी तरह कोई गायकी का प्रोग्राम हो रहा होता है, कोई कव्वाली का होता है, कोई वाज़ो नसीहत तबलीग का प्रोग्राम हो रहा होता है, उसके अपने असरात होते हैं। लेकिन आप उसी फर्द को अगर अपने सामने बिठा के सुनते हैं तो उसका जो असरात होते हैं आप ये देखते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। सही है? तो नज़र के और या नज़र के सामने होने के और अदरवाइज मतलब किसी से बिल्कुल मुंह फेर के यानी नज़र का कमाल में अभी नज़र बद की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ निगाह की बात हो रही है, नज़र की बात हो रही है कि उसके अपने असरात होते हैं और वो असरात हम आगे चल के बात करेंगे कि कहाँ वो अच्छे होते हैं और कहाँ बुरे होते हैं। बिल्कुल सही। और ऑफ कोर्स जो डिफरेंट टोटके लोग यूज़ करते हैं कुछ उस पर भी आप लोगों से हमें क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत पैसे और बहुत रकम खर्च कर देते हैं नज़र से बचने के लिए या अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं किसी को हम बुरा नहीं कहते, लेकिन चलो आलिम बाबा के पास चलें या वो जो पीर साहब हैं उनके पास चलें, वो फलां चीज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, तो थोड़ा इस पर भी क्लैरिटी लेना ज़रूरी है। वो हम ब्रेक के बाद लेंगे और ऑफ़ कोर्स हमें अभी ब्रेक के बाद कलाम सुनाते हुए आएँगे सैयद सिबतुल हसनैन पाशा। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, कितनी खूबसूरत और मीठी आवाज़, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। रामी साहब आप हमें नज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर रहे थे जी। एक बात चल रही थी और मैं ये कह रहा था कि हमें नज़र बद और नज़र नेक से पहले सिर्फ नज़र पर बात करनी चाहिए कि उसके असरात हैं। एक बाप अपने बेटे को या औलाद को जिस गुस्से से देखता है उससे औलाद के अंदर से जो कैफियत होती हैं, वजूद के अंदर उसका जो कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं उससे सभी वाकिफ़ हैं। और जिस वक्त बाप गुस्से की हालत में उसे देखने के बाद बच्चा छेम जाता है, डर जाता है और वो अपनी माँ के सामने चला जाता है और माँ उसे जिस वक्त शफकत से प्यार से देखती है तो उसी बच्चे के अंदर की सारी कैफियत एक दफ़ा फिर से
बदल जाती हैं। यानी इसी तरह उस्ताद की बात कर लें, आप किसी बुजुर्ग की बात कर लें, किसी बड़े की बात कर लें, तो हर जगह पे ये होता है। यानी एक बात ये स्टैब्लिश हो गई कि जो नज़र होती है इसके अपने असरात हैं, ठीक है। अब जिस वक्त हम इसको बात करते हैं, अब आप थोड़ी सी आप यूँ कर लीजिए, हम मिसाल के मोहब्बत की बात कर लेते हैं, इश्क की बात कर लेते हैं, खा आप उसे हकीकत के रंग में लेके जाएं, खा आप उसे मजाज के रंग में लेके जाएं, तो मोहब्बत और इश्क के अंदर एक मकाम ऐसा आता है कि जब मुहिब अपने महबूब के साथ मिलता नहीं है, उसके साथ बात नहीं करता, तो एक बेकरारी की कैफियत आ जाती है। और एक स्टेज वो आती है कि जिस वक्त मुहिब अपने महबूब से सिर्फ एक बात का तकाजा करता है, वो ये कहते हैं एक दफ़ा आंख उठा के मेरी तरफ देख तो लो, वो उसका शेख हो, वो उसका बुजुर्ग हो, वो उसका महबूब हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक निगाह का मोहताज होता है कि ये मुझसे बात न करे, मुझे कुछ इनाम इकराम न दे, मुझे मेरे साथ न चले, मुझे मेरे साथ बैठ के खाना न खाए, एक दफ़ा मुझे देख ले सही, निगाह यार, निगाह यार, ठीक है। इसी को अल्लामा ने कहा था ना कि पर्दा चरा जहूर चेस्त, असले जिलाम व नूर चेस्त, और फितरत नासबूर चेस्त, ई हमा नजद दूर चेस्त, मे नगरीम व मे रवीम। यानी ये जो किसी का नज़रों से छुप जाना और किसी का नज़रों के सामने आ जाना, ये क्या है? ये तो एक अजीब और गरीब दुनिया है जिस दुनिया के सारे मामलात ही अलग हैं। बिल्कुल सही अलामा साहब, नज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी मिसकंसेप्शंस भी हैं, अगर थोड़ा सा आप क्लियर करें। माशाल्लाह अलामा साहब ने नज़र के उनवान पर बड़ी अच्छी कि नज़र किस किस्म की होती है। मैं एक चीज़ छोटी मिसाल देना चाहूँगा, देखिए माँ बाप की नज़र औलाद को लगती है, दोस्त की दोस्त को, भाई की भाई को, अजीज़ो कारब की नज़र। बस से मुराद उसकी देखने की बदी नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ, जिस तरह बराने रहमत होती है, बराने रहमत खुदा की तरफ से, अब वो बराने रहमत सीब में पड़े तो मोती, फूल पे आए तो खुशबू, अगर वो किसी ऐसी जगह पे पड़े जहाँ से बदबू उठती है तो बदबू, अब वहाँ से रहमत आई है। अब माँ बाप की तरफ से इंसान का वजूद, मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा, खुद इंसान का वजूद खुदा की ज़ात की सिफात का परतू है, ये खलीफा खुदावंद है ज़मीन के ऊपर। अब इस इंसान के अंदर बहुत से मलाइक हैं, यानी कि मलके हैं, बहुत से मलके हैं। खुद इस इंसान की आंख के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत मौजूद है, हेप्टिज़म एक बकायदा इल्म है, और उसके ऊपर लोगों ने मेहनत भी की है, बात भी की है, आंख की ताकत के जरिए से लोगों ने बहुत से मामलात को सर अंजाम भी दिया है। जिस सर मैं पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था कि कुरैश मक्का ने बकायदा एक शख्स ढूंढ के लाए कि जो नज़र बात के उनवान से इस तरह से बुरी नज़र का हामिल था कि जिसको वो खुदा मानते थे ना, वो उसको देखता तो वो भी गिर पड़ता था। हाँ जी, तो उसको जब लेके आए कि रसूल खुदा को देखेगा तो रसूल खुदा को भी माजला नज़र लगेगी और इनको तकलीफ़ पहुँचेगी। अब वो तो अल्लाह का रसूल है, वो तो ज़ात खुदा का यानी नूर खुदा का एक परतू था, अब उसके ऊपर क्या नज़र लगनी थी? उसके ऊपर ये आयत सूरह कलम की नाज़र हुआ, युकादल्लज़ीन काफ़रु, काफ़र ये चाहते हैं कि वो निगाह के ज़रिए से नबी को गुज़ंद पहुँचाएँ तो हरगिज़ वो ऐसा ना कर पाएंगे। यानी कि निगाह की जब माँ देखती है बाप देखती, हाँ वहाँ पर है, इसीलिए हुक्म है, आदीस में मरवी है, मसनून दुआएँ मौजूद हैं। खुद अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब जिनके अदारे से इनका तल्लुक है, उन्होंने भी एक दुआ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से अपनी किताब मनाजात ज़ाहिदिया में, या ज़ाहिद इस तरह की कोई नाम है किताब का, नहीं किताब का बेसिक, उन्होंने वो दुआ ली है सहीफ़े सज्जादिया से, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ का 25 नंबर दुआ है, जिसमें खुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम मुझे नज़र की बदी से बचा। यानी यहाँ से बात वाज़ेह हो गई कि जो नज़र आएगी वो नज़र बाद नहीं है, अब उसके असरात बाद हो सकते हैं। असरात बात होता है, मसलन मैं मसलन डायबिटीज़ का मरीज हूँ, अब चीनी ज़ाहिरन कुछ चीज़ ख़राब नहीं क्या हो सकता, मैं खाऊं तो मेरे लिए, खुद आप मसलन हो सकता है एक प्रोग्राम के दौरान आप दोष दें पिछली सहरी अफ्तारी को कि जबकि आधे घंटे के बाद तो खाना ख़त्म हो जाता है, हो सकता है कि पिछले प्रोग्राम के दौरान कोई नज़र इस तरह से लग गई हो, किसी ने अच्छी नज़र से देखो। इसलिए हुक्म है कि जब तुम्हें कोई चीज़ भा जाए तो तीन चीज़ें ज़रूर करो, तकबीर बुलंद आवाज़ से कहो अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह ज़रूर कहो, और तीसरा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम ज़रूर पढ़ो। सुभानअल्लाह। यहाँ पे अब ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे और अपनी गुफ्तगू को रैप अप भी करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकअल्लाह।
हम ऑफ़ कोर्स शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने बहुत ही प्यारे भाई उस्ताद आसिफ अली संतू का कि वो अपने हमनवा अपने साथ लेके आए और आज इतनी खूबसूरत रौनक जो है हमारी इस प्रोग्राम को बख्शी। प्रोग्राम को चार क्या करोड़ चांद मेरे प्यारे भाई ने लगाए। ऑफ़ कोर्स आसिफ अली संतू नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लिटरली नाम ही काफ़ी है। आइए छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर जो है वो सेट किया, बहुत ही खूबसूरत समा सेट किया हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों ने, उस्ताद आसिफ अली संतू और उनके हमनवा सब लोग, उनकी पूरी बहुत ही प्यारी सी फैमिली जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है आज। बड़ा मिस कर रहे थे हम इस रमज़ान आप सबको। तो अब हमें अपनी आज की गुफ्तगू को नज़र या नज़र बद उसको रैप अप करना है। जी भाई आप क्या कहेंगे? जी मैं इस मसले के हल करने की तरफ आता हूँ। सिर्फ मुख्तसरन ये बात करूँगा कि हर फर्द जो होता है ना उसके वजूद के गिर्द एक हाला होता है जिसको ऑरा कहते हैं। जी वो हर इंसान दुनिया का उसके अंदर बंद होता है और वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। किसी इंसान को जो ज़ाहरी वजूद है उस वजूद को डिस्टर्ब कर सकता है आपका हाथ पाँव मुक्का थप्पड़ पत्थर गोली बंदूक, ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन एक इंसान का वजूद के अलावा रूह होती है, उस रूह को उसमें खलल डालने के लिए सिर्फ दो कुव्वतें अल्लाह ने बनाई हैं, एक नज़र है और एक आवाज़ है। सही। ये दो कुव्वतें ऐसी हैं कि जो इंसान के जिस्म के बजाय रूह को कहीं आगे पीछे कर सकती हैं। तो अब जिस वक्त हम नज़र बद और नज़र नेक की बात करते हैं तो आप ये कह लें कि कोई शख्स जिस वक्त किसी पे निगाह डालता है तो उसके अंदर वजूद के अंदर जो उसका रूह है सारे का सारा उसमें एक हलचल मचती है। अब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती हो तो हम उसे नज़र नेक कहते हैं, हम कहते हैं फैज़ मिल गया। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच ना करती हो तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस हो गई, ये वो बीमार हो गया। इसलिए कि जो कुछ एक माँ की नज़र कैसे लगती है, वो उसे जितनी मोहब्बत जितनी मकदार में देना चाहती है वो बच्चा या कोई अजीज उसका उतनी मकदार में मोहब्बत कबूल करने की पोजीशन में नहीं होता तो हम कहते हैं माँ की नज़र लग गई। इसी तरह से रिश्तेदारों की नज़र लग जाती है। लेकिन इसी तरह कोई शेख कोई पीर कोई आप ये कह रहे हैं अल्लाह वाला जब किसी शख्स की अंदर की हालत को देख लेता है कि ये किस काबिल है, उसी फ्रीक्वेंसी उसी मकदार के मुताबिक जब वो उसको कोई अच्छाई और फैज़ देना चाहता है तो हम ये कहते हैं कि इसके वजूद पे इसकी ज़ात पे इसके रूह पे अच्छा असर पड़ गया। लेकिन कमाल दोनों तरफ नज़र का ही होता है। सही। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को समझ लिया जाए तो ये नज़र बद का और माँ का और चचा मामू की नज़र लगने के सारे मसले हल हो सकते हैं। सही। अलामा साहब इसके साथ ऑफकोर्स गुफ्तगू को रैप अप, कहते हैं कि सदका अगर दें तो बुरी नज़र जो है या वो नज़र के असरात टूट जाते हैं, थोड़ा इस पे गाइडेंस एंड गुफ्तगू को एंड। इसमें शेख तुसी अलैहिर्रहमा ने इब्न सीना अपने इरशादात में इब्न सीना के नज़रियात को पेश किया और कहा कि नज़र बद एक जन है यानी गुमान है। और मुल्ला सदरा एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं इस्लाम के जो अफलातून के मुकाबले में जिनको कंसिडर किया जाता है, मुल्ला सदरा ने अपने नज़रियात में इसको साबित किया है कि नज़र बद एक हकीकत रख दी है। और बैनल मिलल और बैन फरीकैन रवायात से मकतब अहले इस्लाम की दीन इस्लाम के तमाम मकातब की रवायात से ये बात माखूज होती है कि नज़र बद एक हकीकत रखती है और इसके हवाले से तोड़ का भी बताया गया है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। बहरहाल हसद के सबब ही नज़र बद नहीं होती बल्कि खुशी के सबब भी नज़र जो है वो उसको असरात जो हैं बद हो सकते हैं जिस तरह आगा साहब ने बयान की। और बहरहाल इसका बेहतरीन हल जो है वो आपने अपने सवाल में दोहरा दिया कि नज़र बद से कैसे महफूज रहा जा सकता है। एक तो है देखने वाला महफूज कर दे तो वो माशाल्लाह अल्लाह हौला वाला और तकबीर और सूरह हम पढ़ के या आयतुल कुर्सी एक कैसे रहा जा सकता है, वो सदका के ज़रिए से है। चूँकि रवायात में ये चीज़ मौजूद है कि जो चीज़ कज़ा व कदर पर हावी हो सकती है वो नज़र बद है, ये रवायात में मौजूद है और सही रवायात में ये चीज़ मौजूद है। बैनुल फ़िरक ये मौजूद है कि जो कज़ा व कदर पर चीज़ हावी हो सकती है वो नज़र बद है और नज़र बद से महफूज सिर्फ सदका के ज़रिए ही बचा जा सकता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तुम बचो सदका के ज़रिए चाहे खजूर का एक दाना देकर। वो एक बहुत मारूफ वाक़या है कि एक शख्स के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा कि इसको जो है आज मौत आ लेगी,
यानी आइए दुनिया से रुखसत हो जाएगा। लकड़हारे के बारे में कहा, जब वो लकड़ियाँ काटने जा रहा था, जब वो लकड़ियाँ काट के वापस आ रहा था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत मूसा पर एतराज़ उठाया। आपने कहा कि ये मौत इसको आ लेगी, ये तो ज़िंदा वापस आ रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा की बरगाह में मुराजे हुए, रजू किया, जवाब आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस अपने हवारियों को लेकर लकड़हारे के पास पहुँचे, लकड़हारे से लकड़ियाँ उतारने का कहा, उसने सर से लकड़ियों को गट्ठा उतारा, जब खोला तो उसमें एक सांप मौजूद था और उसके मुंह में कुछ ऐसी गजा मतलब मेंढक था या कुछ ऐसा था कि वो उसको डस नहीं पाया था, जबकि लकड़ियों के दरमियान वो मौजूद था। तो हज़रत मूसा ने उससे पूछा कि तूने वो कौन सा काम किया जिसकी वजह से मौत टल गई, जबकि तेरी आज मौत मुकद्दर थी। तो उसने कहा, मैं जब सुबह घर से निकलने लगा तो मैंने अपना सदका दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही उस सदका का नतीजा है कि खुदा ने तेरी मौत तक को दूर कर दिया। तो सदका के ज़रिए न सिर्फ नज़र बद से बचा जा सकता है, हत्ता कि मौत से भी बचा जा सकता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच। हमें अब ऑफकोर्स कवाली की तरफ जाना है, जब हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे साथ हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कलाम लेके हम भी थोड़ी सी इस इबादत का हिस्सा बने। लेकिन उससे पहले जल्दी से हम शेफ़ को सलाम कर देते हैं। हमारे साथ शेफ ज़ीशान भट्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्रॉम इंडिगो होटल्स एंड स्वीट्स, वहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, यानी कि हेड शेफ़ हैं, सारे रेस्टोरेंट्स को वहाँ के ओवरसी करते हैं, स्पेशली वो जो रूफ टॉप पे इनका बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। आज का मेन्यू जल्दी से हमें बता दीजिए। आज का मेन्यू है हमारी नमकीन मटन कढ़ाई। नमकीन मटन कढ़ाई, हाँ जी, बस सबका दिल जीत कर शिनवारी, हाँ जी, अच्छा, बस फिर से आज ज़ीशान सबका दिल जीत जाएंगे। कल भी परसों भी मोरक्कन चिकन भी बहुत मज़े की थी, उससे पहले हमने क्या खाया था, बैटर फ्राइड फिश थी, ऑफकोर्स सो बैटर फ्राइड टैमरिंड फिश थी। सो बहुत ही मज़े का डेली मेन्यू तैयार होता है। तो आप अपने काम में मसरूफ हो जाए, इसको ज़रा टाइम लगता है बनने में, आऊँगी मैं किचन में। लेकिन आसिफ भाई, अब आपको सुनते सुनते हम ब्रेक में जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम आपको। जी, मैं कलाम पेश कर रहा हूँ मेरे मुर्शद पाक का लिखा हुआ, दादा मुर्शद सही नियाज़ अहमद शाह साहब का, चुन चुन लबे आ मैं जग दुनिया तो मुर्शद पाक जनाबे अमीर, और यह कसीदा पाक है मौला अली की शान में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम आ गए कश्मीर के किचन में, जहाँ पे खाना तो बहाना है, मज़ेदार खाने और अपनों का साथ हमेशा रमज़ान का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। और इस कनेक्शन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे साथ है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जो अपने 100% इन्ग्रीडियंट्स के साथ आपका साथ निभा रहा है 58 ईयर्स से। इसमें 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं और ये विटामिन ए और डी से भरपूर है। और आज जो हमने मटन भी तैयार किया है वो हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के साथ प्लस ऑल दी अदर थिंग्स जो डाली हैं। अच्छा शेफ ज़ीशान, ज़रा रेसिपी तो शेयर करें हमारे साथ। हाँ जी, इसके पहले जो है ना, मैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं शेयर कर लेता हूँ। इसमें बटर है, ऑयल है, सॉल्ट, जिंजर है, और उसके अलावा ब्लैक पेपर क्रश, चॉप कोरिएंडर, ग्रीन चिली, योगर्ट, क्रीम और गार्लिक का पेस्ट। इसको बनाने का तरीका करिए कि 350 ग्राम हमारा मटन होगा और 350 ग्राम हमने पानी लेके एक प्रेशर कुकर के अंदर हमने इसको डालना है। उसके अंदर हमने थोड़ा सा प्याज, सॉल्ट और थोड़ी सी ग्रीन चिली, ये डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट जो है ना, हमने इसको प्रेशर जो है ना लगा देना। जब वो तैयार हो जाएगा उसके बाद हमने उसको एक कढ़ाई के अंदर निकालना है। कढ़ाई के अंदर निकाल के हमने उसकी तकरीबन 8 से 10 मिनट बुनाई करनी है, और उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश लगेगा, जिंजर जो है हमें थोड़ा सा जूलियन काट के रखा होगा वो उसमें डालेंगे, मज़ीद थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड होगी, और लास्ट में जो है ना हम इसमें थोड़ी सी जो है ना क्रीम लगा के ना उसको बिल्कुल फाइनल कर देंगे। और बेसिकली गुड थिंग अबाउट दिस कढ़ाई है जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं है, तो जो हार्ट बर्न होता है ना अक्सर कढ़ाई खाने के बाद, मेदे में जो जलन होती है वो नहीं होती। और कुछ ये तो बताइए कि सुना है कि इंडिगो हाइट्स होटल एंड स्वीट्स के में एक नहीं बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, रूफ टॉप पर मैं गई हूँ, बट और तीन रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे। एक तो हमारे पास रूफ टॉप रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बेसिकली दी स्काई, और एक रेस्टोरेंट हमारा नीचे है ला मेसा के नाम से, एक रेस्टोरेंट को भी हम ओपन करने लगे हैं। इसके अलावा एक हमारी पर्पल कैंडी जो है बेकरी है,
उसकी प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी उसकी सेल है और साथ किसी साथ दिन उधर की भी चीजें लाके दिखाइएगा तो हम लोग। हाँ जी जरूर इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम लोगों ने टेक अवे होम डिलीवरी जो है वो भी स्टार्ट की हुई है, उसका रिस्पांस भी है बहुत जबरदस्त होता है ना कि व्यूअर्स पीपल वांट वैरायटी, अगर बाहर जाके नहीं भी खा सकते और सारे ये तो मुझे पता है कि इंडिगो हाइट्स होटल एंड स्वीट्स ने सारे के सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको SOPs को फॉलो करते हुए हर चीज़ तैयार की जाती है, एवरीवन इज टेस्टेड जो जो वहाँ पे खाना तैयार कर रहे हैं बना रहे हैं और उसके अलावा प्रॉपर जो है ना सफाई साफ़ सुथरे अंदाज में चीज़ें तैयार की जा रही हैं। तो डेफिनेटली अगर आप आजकल जाके तो वहाँ नहीं खा सकते लेकिन टेक अवे और डिलीवरी आप करवा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे जहाँ पे है हमारे हमारा कृषि जामेश्री। व्यूअर्स कृषि जामेश्री 100% खालिस सरकियात से तैयार किया जाता है और इसके इसको बनाने में, इसे तैयार करने में एक कतरा पानी भी नहीं इस्तेमाल होता, जिसकी वजह से ये 10 में से बाय द वे 6 पाकिस्तानी का इंतखाब है एज द नंबर 1 नेचुरल ड्रिंक। तो आइए हम चलते हैं वापस मेन स्टेज की तरफ जहाँ पर हमें ज्वाइन किया है ऑफकोर्स हमारे बहुत ही प्यारे भाई उस्ताद आसिफ अली संतू ने। अब उनकी कैपेसिटी चेंज हो गई है, नाउ ही इज हियर एज द सिटी 42 की आवाज़ के जज, आ सेलिब्रिटी जज एंड देन ऑफ कोर्स आ जजेस जो बिगिनिंग से हमारे साथ चल रहे हैं 42 की आवाज़ में। हमारे साथ शहजाद मदनी हैं एंड शहजाद हनीफ मदनी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हनीफ मिस कर दें तो माइंड कर जाते हैं तो मैंने कहा कह देना चाहिए हमें। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे सीनियर नातखवा लिविंग लेजेंड मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आज की गुफ्तगू जब हमने रैप अप की तो आपसे ये जानना, मतलब अब कुछ आपसे बात रही हुई पिछले 1.5 घंटे से, तो कुछ एक सवाल ही आपने पूछा, तो कुछ आज के टॉपिक पे हम एक्चुअली बात कर रहे थे नज़र की, नज़र बद की, तो कुछ इस पर। नज़र बद सरकार वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जो आपसे हसद करता है ना उसको कम से कम एक चाय ज़रूर पिलाया करो, क्योंकि वो आपका किसी ऐसी सिफ्त का मोतरज है कि जो आपको पहचानता है कि ये सिफ्त इसमें है, लेकिन हसद ये कहता है उसका कि ये सिफ्त मुझे मिले तो ये रश कहलाएगा, लेकिन ये सिफ्त इसमें से ख़त्म हो जाए इसको कहते हैं हसद। और इसके लिए फिर एक वो बुरी नज़र फिर साथ में चलती है कि जो उसको ख़राब करती है। सरकार ने बताया कि ये दो किस्म की नज़रें हैं, एक बुरी नज़र है और एक अच्छी नज़र भी है, कि आप अच्छी नज़र में भी रहा करें। बुरी नज़रें तो जाहिर है जहाँ पर इंसान तरक्की करता है ये थोड़ा सा उठना शुरू होता है तो उसके साथ हासिद लोग या नज़र रखने वाले लोग वो जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे हनीफ रामी साहब एक दफ़ा मिले तो उन्होंने कहा कि जी मेरे एक दोस्त ने कहा कि हनीफ रामे बन गया चीफ मिनिस्टर, वो तो साढ़े नाल क्लास से पढ़ता सी। तो ऐ किवें हो सकता है कि एक क्लास में पढ़ने वाले एक अलहदा जिसको एक्सेप्शन अल्लाह ताला दे दे, इज्जत दे दे, जिसको शोहरत दे दे, पैसा मकाम बोलने का अंदाज कुछ भी दे दे, कुछ लोगों को अगर ये नहीं मिलता तो वो उससे फिर हसद करते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ फिर वो कहते हैं कि ये जो है ना इससे ये सिर्फ छीन ली जाए। एक मिसाल के तौर पे समझाया कि एक बंदे ने कहा कि या अल्लाह मुझे फलां फलां चीज़ दे दे, तो आवाज़ आई कि जो हम तुम्हें देंगे तुम्हारे रिश्तेदारों को उससे डबल देंगे, बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा जी मेरी एक आँख निकाल दें ताकि मेरे रिश्तेदारों की दोनों निकल जाए। फिर पूछा कि या अल्लाह ताला बारिश कर दे, उन्होंने कहा जी बारिश होगी तो सब पे होगी। उन्होंने कहा या अल्लाह मेरे खेत पे बारिश कर, मेरे भाई के खेत पे बारिश ना करें, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये जो अपने अंदर एक ये एक किस्म की ऐसी बीमारी है कि जो इंसान को बिल्कुल फना की तरफ ले जाती है, कत्ल की तरह आपकी सोल को खा चाट जाती है, कत्ल की तरफ भी ले जाती है। मौला शहंशाह के पास, मौला कायनात के पास एक शख्स गया, उसने कहा याली के कत्ल का, अगर कोई कत्ल करता है तो उसको फांसी लगा देते हैं, अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट देते हैं, हर जुर्म की सजा है। जो बंदा हसद करता है उसकी क्या सजा है? तो मौला शहंशाह ने फरमाया इससे बड़ी क्या सजा है कि वो हसद करता है। अल्लाह अकबर। और इसी नोट के ऊपर हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि बाकी की गुफ्तगू भी हम कंटिन्यू कर लें, लेकिन ब्रेक के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने स्टार्ट करनी है वो है 42 की आवाज़। आई नो आप सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सुनते हुए आएंगे। और बल्कि जो हमारे पहले कॉम्पिटिशन के नातख्वा हैं मोहम्मद यासीन साबरी, उनको सुनते हुए आएंगे। Yeah, they're the ones.
जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा जी, कलाम तो बहुत ही अच्छा है, आवाज़ भी अच्छी है, पर आपका जो एक जैसे एक समा बनता है ना, आपको पता होता है कि मैंने ये सुर लगाने हैं, आप सुर लगा रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, और मैं कुछ उसमें इस तरह के लग रहे हैं कि वो हमें समझ नहीं आ रही कि वो किसके हैं, आप समझ रहे हैं उसका तल्लुक क्या है, वो कुछ नोट्स ऐसे लगे जिनका उनके साथ तल्लुक नहीं है, मजमून में जैसे मजमून लफ्ज़ था। हाँ जी, आप बड़ा, आपकी आवाज़ भी अच्छी है माशाल्लाह, और आपने कलाम भी बहुत अच्छा पढ़ा, थोड़ा सा इस तरफ आप ध्यान दें, बाकी आप अल्लाह ताला आपको और तरक्की और बरकत दे। जी मदी भाई, आवाज़ बहुत खूबसूरत और तलफ़ुज़ भी काफ़ी मैंने देखा है कि बेहतर है, और ख़ास तौर पर कलम के हवाले से बहुत खूबसूरत अदायगी की कलम के ऊपर, जीते रहे माशाल्लाह। जी मरगूब साहब, तलफ़ुज़ में एक गलती इनकी तरह कुछ हो रही थी, परे जिब्रील, अगर उसको परे को लंबा कर रहे थे, सुर लगा रहे थे ना, तो परे ज़्यादा होता, परे जिब्रील अलग कर रहे थे, परे अलग कर रहे थे, जिब्रील अलग कर रहे थे, उसका पौध बना, आवाज़ माशाल्लाह अच्छी, अच्छा पड़ा बच्चे, थैंक यू बेटा, थैंक यू जी काशिफ भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। हम हसनैन बिन सफदर को बुलाते हैं तब तक। हाँ जी, आप इतना अपनी फीडबैक दें मुझे इस बच्चे। मैं तो यही कह रहा था कि ये पिछली दफ़ा जब तशरीफ़ लाए थे ये, तो बहुत खूबसूरत इनका गले का, मैंने कहा था इनका टेक्सचर बहुत खूबसूरत है वॉइस का, और तलफ़ुज़ भी बहुत साफ़ है, लेकिन वो यही है कि शायद कंपटीशन का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से कुछ तरह बच्चे ओवरडू कर लेते हैं। हर बच्चा अच्छी तरह, हर इंसान अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता, कुछ कलाम नहीं भी सूट करते आपकी आवाज़ पर। जी बेटे, हसनैन बिन सफदर, बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ में बड़ा ठहराव है, और ये बड़े कम लोगों में होता है, आप जिस सुर पे लगा रहे हैं अच्छा लग रहा है, पर जो स्टार्ट में आपने एकदम एक सुर को अपने अब सुर से बाहर गए हैं, फिर आप आस्ता आस्ता उस जगह पे आ गए हैं, तो असल में वो पहली और ये कंपोजिशन मिलती जुलती थी, ठीक है, तो वो तबीयत में ना इसके वो चीज़ मुझे लग रहा है कि वो दोनों फिट थी, और जगह पहले वाले की पहले आते सारी कही, फिर बात ही बदली, अब दूसरे अंतरे में वो अपनी जगह पे आ गए थे, हाँ वो फिर वापसी हुई, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा करा जी मरगूब साहब, माशाल्लाह आवाज़ भी अच्छी, अच्छा मीठा मीठा अंदाज में खूबसूरत, बड़ा ज़्यादा कोई बेसुरा नहीं हुआ, तरफ में छोटी मोटी गलती थी, कुछ ज़्यादा गलतियाँ नहीं, ऊपर नीचे उम्र के, हाँ उम्र के हिसाब से होती है ना, कोई बात नहीं। मदी भाई, आवाज़ बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है माशाल्लाह ये बेटा, माशाल्लाह थैंक यू सो मच बेटा। अब हम बुलाएँगे फ़ायज़ा रसूल को, ले जी इनके बारे में कुछ कहेंगे आप, जो बच्चे भी हैं। मुझे तो लगता है कि एंड पे सिर्फ एक बात मैटर करेगी कि प्रेशर कौन बर्दाश्त कर सकता है ये कंपटीशन का, इतनी प्यारी आवाजें इकट्ठी हो रही है ना, स्टेज पे आवाज सबकी ही अच्छी है, अच्छी है जी, प्रेशर कितना को ले पा रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। बेटा दो कदम आगे आ जाओ, फायजा रसूल हमारे साथ हैं। जी बेटे जी, माशाल्लाह जी, आप बहन आप बहुत अच्छा पढ़ा आपने, और अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत अच्छी खूबी अता की है, मैं बड़े कम लोगों में होते हैं, आप इसको इस तारीफ भी मैं कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक चीज अता की है, कुछ आवाज होते हैं जिनको मूव किया जाता है मेहनत से, रियाज से, कुछ अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें जो खुद ही मूव होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, इनके आवाज़ में ये बहुत खासियत मैंने देखी है माशाल्लाह, वो जस्ट वो मेहनत से कंट्रोल होगा, जब इनका इनको अच्छे लोगों को सुनेंगे, अच्छे कलाम की सिलेक्शन करेंगे, तो मेरा ईमान है कि ये बहुत बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटे आप अब यहीं पर रुकें, आप काशिफ भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, तब तक मैं मोहम्मद यासीन साबरी और हसनैन बिन सफदर को स्टेज पे बुलाऊंगी ताकि हम फाइनल डिसीजन लें। जी जितनी बेटियां अभी तक आई हैं, एक बेटी पहले जिसने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, और ये माशाल्लाह इस बेटी ने भी पिछली दफ़े भी बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा था, और मुझे याद पड़ता है शायद मदनी भाई ने अपना जो था वो कार्ड वो इस बेटी के लिए इस्तेमाल किए थे शायद आपने जी, एक दफ़ा इस्तेमाल किया, तो जी बाकी बेटे भी आ जाओ बेटा, आप लोगों मोहम्मद यासीन साबरी एंड हसनैन बिन सफदर, बेटा आप लोग आ जाओ प्लीज़। हाँ जी, एक बच्चा वहाँ आ जाए प्लीज़ जी। वक्त कम मुकाबला सख्त, आप लोग आपस में प्लीज़ डिसाइड कर लें कि किस तरह मूव फॉरवर्ड करना है हमने, थोड़ा सा कंपटीशन टाइट लग रहा है। हाँ जी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये बात हो रही है, जो हमारी आज ना जी फर्स्ट जो आई हैं, मैं चाहूँगा भाईजान आप अनाउंस करें इनका नाम। आप ही कर दें,
जी जी बेटी है। बेटी आपका अल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा तो आपको फर्स्ट नंबर दिया जा रहा है। फायजा रसूल साहिबा आगे जाएंगी हमारे कॉम्पिटिशन में। और ये बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है, मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, नहीं है, लेकिन कोई एक बात किसी ने छोड़ दी, किसी ने पकड़ ली, बस यही है सबसे। मैं जुबिन जी हमेशा एक बात करता हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, ख़ासतौर पर इस चीज़ में कोई कॉम्पिटिशन नहीं, नहीं। जब आप कोई चीज़ वारद करके, और आपका मैं हर मरतबा यही बात कहता हूँ और कहता रहूँगा कि जब आप नात पढ़ते हैं ना, तो आपके जहन में जब ये होगा कि हमने हजूर की बारगाह में पेश कर दी, वाह वाह वाह, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप किस आप बिला मुकाबला जीते हो। एक सरकार का शेर है कि जिथे नात नबीदी होवे उथे उसका जलवा, बेशक छोटी वड्डी नात ना होंदी, पेश करो जो सरदा सजदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो आप इसी तरह मेहनत करें, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो अच्छे उस्तादों से सीखें, अच्छे अच्छे सूफी शायरों का कलाम पढ़ें, जामी रहमतुल्लाह अलैह के और इतने बड़े शायर हैं, उनके कलाम पे स्टडी करें, और मैं समझता हूँ कि आप बहुत आगे जाएंगे। और इंतहाई मुश्किल कलाम गुड़िया ने पढ़ा, बहुत मुश्किल कलाम था जो हम सुनते आए बड़ी देर से। हमें व्यूअर्स अब ब्रेक की तरफ जाना है, ऑफ कोर्स अगला हमारा मरहला दुआ का मरहला होता है, और ब्रेक में जाते जाते आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, स्पेशली फायजा रसूल साहिबा। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, एंड बच्चों आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो कि उस्ताद आसिफ अली संतू के लेवल की पर्सनैलिटी आज आपकी जजमेंट का हिस्सा बन रही है। यू गाइस आर वेरी वेरी लकी, और जो उन्होंने बातें आपको कही हैं ये सोने से भी ज़्यादा महंगी, आई मीन इस इन इन अल्फाज की कोई कीमत नहीं है अगर ये अपने पल्ले बांध लो तो। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग फायजा जी, इंशाल्लाह आगे आपसे मुलाकात होगी। बट हमने आज की गुफ्तगू को रैप अप करना था, एंड संतू भाई आप कुछ बात कर रहे थे हसद और नज़र से रिलेटेड पिछले हिस्से में। तो जी वो बात हो रही थी, बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो मैं कहना चाहता हूँ मौला शहनशाह से पूछा कि हस जो हर जुर्म की सज़ा है तो हसद करने वाले की क्या सज़ा है, तो मौला शहनशाह ने फरमाया कि इससे बड़ी क्या सज़ा है कि वो हसद करता है, वो उसने अपनी सज़ा खुद ही सिलेक्ट की है। बट आपने तो खुद इस चीज़ को बहुत फेस किया है, जैसे जैसे आगे बढ़े विद इन फैमिली बड़े लोग जेलस होते होंगे जी कि ये क्यों आगे निकल गया, हम क्यों नहीं निकले। जी आपने तो बड़ी एक मेरे दिल की बात कर दी है, जो कहने वाली थी नहीं लेकिन मैंने कह दी, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा, मैंने कानों से सुना। मेरी बहन है जी, आप समझ सकती हैं, आपने मैं हम काफ़ी हम पुराना एक दूसरे से जानते हैं, तो मेरी फैमिली में मुझ पर जादू टूने, और मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि उनको कहो कि जितना जोर लगा सकते हो लगा लो। इतनी भी कोशिश की कि ये क्योंकि ऑब्वियसली इनका ससुराल पाकिस्तान से बाहर है कि बस ये वहाँ पे जाए और वहीं कहीं रह जाए, वापस ना आए, इवन के मुझे इतने ऑब्स्टिकल्स डिपोर्ट करवाने की कोशिश की गई वहाँ पे, के अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआएं, और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए है कि मैं अपने मुर्शिद पाक के कदमों में रहता हूँ। आप निगाह की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आ रही थी कि जब आप एक नजर में रहे ना फिर आपको नजर नहीं लगती, कितनी खूबसूरत बात, एक नजर में रहना और फिर उस नजर की कदर करना और उनकी रिगार्ड करना। देखें जितनी आजजी और रिस्पेक्ट और रिगार्ड आसिफ भाई में है, देखें नो डाउट है वो इनके खून में भी चलती आ रही है, और जनरली इनके खानदान की ये एक ट्रेडिशन है कि ये ऐसे ही हैं सारे माशाल्लाह, लेकिन जो ये इतने ज्यादा इन कंट्रोल, मतलब माशाल्लाह इनको इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है रब ताला ने, सारी जिंदगी भी शुक्र अदा करते रहे तो कम है, बट इनके मुर्शिद पाक को बहुत ज्यादा इस चीज का क्रेडिट आता है। जैसे कि कल भी हम लोग दस्तरखान पे बैठ के बात करते, उन्होंने कहा था मुझे संभालने वाले मुर्शिद पाक है, और देखिए एक्नॉलेज करना और एडमिट करना बहुत बड़ी बात है, लोग जाते हैं सारा कुछ करते हैं लेकिन मुंह से नहीं कहते, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि अगर वो ना हो तो मैं कहीं नजर ही ना हूं, उनकी दुआ और उनकी हर वक्त निगाह मुझ पे, बेशक तो मैं आप दुआ ये करें हमेशा रहे, हमेशा रहे और मेरी नस्लों पे रहे, आमीन आमीन सुमामीन, और आपकी सारी नस्लों की इंक्लूडिंग यू लंबी सेहतमंद खुशियों वाली जिंदगी, आमीन हम सब की। बच्चों बेस्ट ऑफ लक फायजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दुआ का मरहला जो है उसके अंदर हम एंटर हो जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं अब हम उस अपने प्रोग्राम के मरहले में पहुंच गए हैं जहां पे हमने जाना है दुआ की तरफ। हाँ जी, फाइनल टचेस क्या हैं
शेफ जीशान, हमने इसके ऊपर ये चीज़ें स्प्रिंकल करनी हैं। हाँ जी, इसमें ये चॉप कोरिएंडर है, ग्रीन चिली है और ये जिंजर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसको किस तरीके से हम लोगों ने गार्निशिंग करनी है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे कोरिएंडर आ जाएगा फ्रेश, ठीक है, थोड़ी सी ग्रीन चिली। खुदा का वास्ता जब गार्निश करें तो 8 करोड़ हरी मिर्चें ना डाला करें, क्योंकि वो जब खा रहे होते हैं ना तो जान निकल जाती है। हम बच्चों के लिए बड़े अपनी तरफ से बनाते हैं मिर्चों के बगैर और ऊपर से बहुत सी मिर्चें। नहीं नहीं, ये बिल्कुल मुनासिब इसकी, बट इसकी बहुत ही मुनासिब। और बाय द वे ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं तो ये इनका वो वाला फ्लेवर नहीं होता कि बिल्कुल ही आपका वो हाल खराब हो जाए। थैंक यू सो मच शेफ जीशान। ये है आपकी फेमस मटन, नमकीन मटन कढ़ाई। तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ जाता है दुआ का, प्लीज़ हमें भी आपने अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करना है। और इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद जब मुलाकात होगी तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे शहज़ाद हनीफ मदनी जो हैं वो कलाम पेश करेंगे और कलाम सुनते सुनते हम अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। आइए आप भी दुआ का हिस्सा बनिए। मुफ्ती अहमद अली ख़तीब, लाहौर ग्रैंड मॉस्क, आइए। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں حیا والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد خواتین دنیا سے جا چکے ہیں ربا ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ نصیب فرما دے، اے اللہ جب دنیا سے جانے کی باری آئے تو ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرما دے، اے اللہ جب ہماری دنیا سے جانے کی باری آئے ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرما دے، اے اللہ دنیا بھر میں جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں ربا ان کی مدد فرما دے، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، اے اللہ کشمیر میں ہیں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ انہیں ظلم سے چھٹکارا عطا فرما دے، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ رمضان کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، روزے کی روح ادا نہیں کی، ہم روزہ بھی رکھتے تھے، لا یعنی گفتگو بھی کرتے تھے، غیبت بھی کرتے تھے، ربا تو ہمیں معاف فرما دے، ربا ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ رمضان کا جو ماہ بقیہ حصہ رہ چکا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما، ہماری مدارس کو آباد فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ اللہ۔